नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश चौहान यूट्यूब गाजीपुर फंडाचल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी ने दोस्तों सब इंस्पेक्टर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी इन्फॉर्मेशन सब इंस्पेक्टर ESI रिक्रूटमेंट 2019, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, इसके लिए क्या एलिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका योग्यता क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि दोस्तों, कैंडिडेट हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। करने के बाद दोस्तों, कोई व्यक्ति जो बैचलर डिग्री किया यानी कि बीए किया दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, बैचलर डिग्री लिया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसके लिए दोस्तों, उसका उम्र कितना होना चाहिए, तो मिनिमम दोस्तों 21 साल के और मैक्सिमम एज 22 साल के मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों दिया गया है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका मिनिमम एज 21 से 42 साल होना चाहिए। एज लिमिट आपका काउंट किया जाएगा 1/8/2019 से। और यहाँ दिया गया दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 45 साल के होने चाहिए, यानी कि 21 से 45 साल के महिला अभ्यर्थी भी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके फीस की, कितना अप्लीकेशन फीस है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 700 फीस है दोस्तों, और SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों, महत्वपूर्ण तिथि, जैसे कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है 3 दिसंबर 2019 को, और इसका लास्ट डेट दोस्तों 6 जनवरी 2020 है, और उसी दिन दोस्तों लास्ट पेमेंट फीस का भी डेट है। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं कितने पोस्ट हैं दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम। ESI जनरल के लिए दोस्तों 84, BC के लिए यानी बैकवर्ड क्लास के लिए दोस्तों 25 है, बैकवर्ड फीमेल के लिए 7 है, और EBC के लिए 38, EWS के लिए 22, SC के लिए 34, ST के लिए 2 है। और बात कर लेते हैं शारीरिक योग्यता यानी कि फिजिकल एलिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए हाइट दिया गया है, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर, और चलना कितना है आपको 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर दोस्तों चलना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट, 150 सेंटीमीटर महिला की हाइट होनी चाहिए, और उनके लिए 14 किलोमीटर दोस्तों 4 घंटे में दिया गया, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी 25 किलोमीटर 4 घंटे में चलेंगे और महिला अभ्यर्थी 14 किलोमीटर चलेंगे 4 घंटे में। ये दोस्तों ये हो गया फिजिकल एलिबिलिटी, इतना आपके अंदर होगा तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके नोटिफिकेशन के बारे में, तो हम यहाँ से नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। PDF फाइल डाउनलोड हो रहा है शायद। और दोस्तों, अगर आप लोग को वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तो पहले आप PDF फाइल देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग दिखाया गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, संतोष मैसन, वी ब्लॉक, RP विधि महाविद्यालय निकट रघुनाथ पथ, दानापुर, पटना। दोस्तों, यो पोस्ट निकाला गया है उसका PDF फाइल है, विज्ञापन संख्या भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो पद है दोस्तों, उसका वेतमान दिया गया है 34,400 से 1,12,400 रुपया वेतमान, यानी कि जो आपका सैलरी होगा दोस्तों। यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा नीचे, जब भी ये फॉर्म डालिएगा सबसे पहले आपको इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद जो मैंने बताया वही चीज़ है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करने के बाद आप लोग इसे भरिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता न्यूनतम मापदंड निम्न प्रकार से होगा। पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर दोस्तों आपको फुलाव चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी गया है दोस्तों। और पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना चलना है, और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। और यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा के बाद दोस्तों, मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि जो लोग इनमें से जो पास होकर आएंगे दोस्तों, उन लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए दोस्तों आमंत्रित किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों, अंतिम मेगा सूची के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 34%, अन्य पिछड़ा के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% एवं सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% अंक होगा। जो इतना पाएंगे दोस्तों वो पास आउट हो जाएंगे, कहने का मतलब। अब जो उम्र की गणना है दोस्तों, जो मैंने आपको सारा चीज़ बताया, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ और ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता दोस्तों। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा।
जय हिंद, धन्यवाद।